ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वार्म अप मुकाबले में मोहम्मद शमी ने 4 विकेट चटकाए थे 20 ओवर में और हारा हुआ मुकाबला जिता दिया था। मगर दोस्तों मैच जिताने के बाद भी मोहम्मद शमी अब गद्दार निकल चुके हैं और मोहम्मद शमी को फांसी होने वाली है। दोस्त अभी जाना चाहते हो आखिरकार ऐसा क्या कर दिया शमी ने। इस 2021 जब दुबई में हुआ था वहाँ पर भारत टीम को पाकिस्तान के हाथों आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में पहली बार हार का सामना करना पड़ा था 10 विकेट के बड़े अंतर से, जहाँ पर भारत गेंदबाज बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए थे। ना तो बुमराह विकेट ले पाए थे और ना कोई और गेंदबाज विकेट ले पाया था। मगर दोस्तों जो हार का ठीकरा सबसे ज्यादा फूटा था वह फूटा था मोहम्मद शमी पे। मोहम्मद शमी को लोगों ने गद्दार तक कह दिया और लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि मोहम्मद शमी तो गद्दार हैं, अब इनको फांसी दे देनी चाहिए। मगर दोस्तों अब मोहम्मद शमी ने अकेले दम पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वार्म अप मुकाबला जिता दिया। मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल एक ओवर करवाया था 20वां ओवर और रोहित शर्मा 20वें ओवर के लिए मोहम्मद शमी के पास गए और मोहम्मद शमी ने अपना कारनामा दिखा दिया। 4 गेंदों पे लगातार 4 विकेट चटका करके भारतीय टीम को 100% हारा हुआ मुकाबला जिता दिया। मगर दोस्तों कुछ लोगों का अब भी मानना है कि मोहम्मद शमी गद्दार हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी 20वें ओवर को कराने से पहले पाकिस्तान के साइन अफरीदी को गेंदबाजी कराना सिखा रहे थे। अपने दुश्मन को ऐसा क्यों सिखा रहे थे, इस बात को लेकर गद्दार अब भी करार दिया जा रहा है मोहम्मद शमी को।